असलकम दोस्तों दोस्तों इंसानी तारीख़ बहुत सी जंगों से मुजयन है जिसने तारीख़ के धारों को बदल दिया जंग अगरचे खून चुका दास्तान रकम करती हैं जिनसे इंसानी खून के उड़ने वाले छीटे तो दरिंदगी का बाजार गर्म करती हैं जिस तरह तातारियों की जलगार या सिकंदर आजम की वसत पसंदाना सोचूं, जिनकी भेंट नसल इंसानियत को चढ़ना पड़ा लेकिन शाज ही ऐसी जंगें मिलेंगी आपको जो तहजीब व तमदन की नई बुनियादें डाल दें इंसानी दोस्ती पर मबनी सकाफ़त को फ़रो दें और ऐसी ही एक जंग जिसे मैं ये समझता हूँ जिसने तारीख के दारों का रुख मोड़ दिया एक जंग कादसिया है जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उम्र फारूक के दौर में अरब मुसलमानों के जिनकी सिपा सालारदरत बिन अबी वक्स और ईरानी सासानी फौज का सरबरा सरदार रुस्तम था के दरमियान ये जंग हुई इसमें मुसलमानों की फतह और ईरान मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया जिस जहाज का आगाज़ हजरत अबकर सदीक के दौर में शुरू हुआ उसका अख्ताम मार्काय कादसिया पर जाकर हुआ अगरचे बाजेंटीनी और सासानी सल्तनतें सदियों से बहुत से तनाज़ा में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसर पैकार रहीं लेकिन कोई भी 602 से 628 की जंगों की तरह खून रेज़ और बेनतीजा नतीजा ना रहीं लेकिन इन दोनों के बहमी जंगों ने दोनों सल्तनतों को कमज़ोर और बेनकाब कर दिया था ये वो अहद था जब जनूब में पैगम्बर इस्लाम आ हजूर सल्लाम ने छः सौ तीस हिजरी ईस्वी तक अरब के बेशतर मुंतशर कबाइल को मतहद कर लिया था अगरचे आ हज़ूर सल्ला वसल्म की रहलत के बाद उनके पहले खलीफा हजत सदीक को अपनी हकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बगावत का सामना करना पड़ा ये तनाज़ा जो बाद में रद्द जंगों के नाम से जाना जाता है छः सौ तैतीसवीं ईसवी फरवरी के महीने तक जारी रही, और इस्लामी फौजें उन फित को, को कुचलने के लिए बरसर पैकार रहीं हजरत अबूबकर ने जैसे ही तमाम अरब की तमाम दाखिली जोरशों और बगावतों पर काबू पा लिया तो हजरत अबूबकर ने जजीरा नमा अरब को अपने कंट्रोल में लेकर तोसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया इसके मुतालिक मगरबी मुफक्कर कैलिफ स्पलेंडर हक कैंडी और दूसरे दिगरान ने मुखलिफ वजूहात इसकी अपनी मुख्तु किताबों में बताई हैं और जिनमें एक ये भी है कि अरब की सरजमीन जहाँ कभी ऐसी मरकजी हकूमत का तस्वर नापे था क्योंकि उनमें कबायली असबीयत कूट कूट कर भरी हुई थी इसलिए वो किसी को अपना मरकजी हुक्मरान या हकूमत को तस्लीम करने से वो इनकार करते थे इसलिए शोरश का ख़तरा लाहत था वो इन्हें खारजी महाजों पर हजरतबूबकर मसरूफ रखना चाहते थे और दूसरी बात यह है कि हजरत अबूबकर अल्लाह का पैगाम दूसरे मुल्कों तक पहुँचाना भी चाहते थे इसके अलावा सा और बाजेंटीनी सल्तनतों के उस सितम को भी बखूबी जानते थे जिनके ज़रिए उन्होंने अवाम को लूटा और अहतसाल के जरिए बेपनाह दौलत कट्ठी कर रखी थी इनके खिलाफ जहाज़ से एक तरफ उन महकूम लोगों को उन बेरहम बादशाहों से निजात मिल सकती थी और दूसरी तरफ मुमकिन हद तक मिलने वाले माल गनीमत से उमत मुसलमा खुशहाल भी हो सकती थी इसके अलावा उन्हें सासानी और बर्जेंटीनी सल्तनतों के तवील अरसे तक जो बहिमी जंगें हुई और फिर उसके बाद एक टाउन की बीमारी वहाँ फैली और उसके नतीजे में लाखों लोग लुकमा अजल बन गए उनका बेपनाह जाने नुकसान हो गया बस्तियों की बस्तियाँ और शहर के शहर वीरान हो गए तो उनको भी उन्हें यह मालूम था और ये मुकम्मल तौर पर उनको इदराक था कि ये सल्तनतें अंदर से खोखली हो चुकी हैं इसलिए वो फ़ौज जो दाखिली बगावतों को फर्व करके फारग हुई थी और किसी मकसद के बगैर, क्योंकि फारग बैठने से फ़ौज मसाइल पैदा कर सकती थी इस पर उन्होंने इंतहाई समझदारी से उन फौजों को फ़ौज को दोबारा मनजम किया और उसकी कमान इस्लाम के माया कमांडर खालद बिन वलीद को सौंप कर उन्हें सासानी सल्तनत पर हमला हमला करने के लिए रवाना किया अप्रैल के महीने में खालिद खालिद बिन वलीद अपनी अठारह हजार फौजियों के साथ इस अहद के कोत जो आज का कोत है इसमें वो दाखिल होते हैं मकामी गवर्नर हारम हरमजद की कमान में बीस हजार आदमी थे और वो काजमा के करीब इस्लामी लश्कर को रोकने के लिए आ गया लेकिन अरब फौज ज्यादा मुतहरक थी उनकी नस्बत इसलिए खालिद बिन वलीद ने हरमज़द को उसकी तरफ़ धकेलना शुरू कर दिया जिसके दफा के लिए वो खौफजदा था लेकिन खालिद बिन वलीद की मुसलसल नकलोह हरकत ने हरमज़द को की अफवाज को थका दिया था और काजमा इस्लामी फ़ौज की जलगार के सामने बेबस था इसी असर में सासानियों को फिर पीछे हटना पड़ा बहरहाल थकी हारी सासियों की फौज जंग लड़ने के पर तैयार हुई और इस जंग को जंजीरों की जंग से ताबीर किया जाता है कहा जाता है इब्तदा में ये जंग ड्यूल्स के दरमियान डोल्स हुई के एक जनरलों के दरमियान ही हुई और जिसमें हरमजद मारा गया और महाज पर सासानियों के मरकज़ में प्यादा फ़ौज ने एक दूसरे को जंजीरों के साथ जोड़कर दफा करने की कोशिश की ये एक दूसरे के साथ उन्होंने बांधा और ताकि कोई शख्स उसमें से भाग ना सके ये भरपूर तरीके से अरब फ़ौज का दफा कर सके और डटकर इस्लामी फ़ौज का मुकाबला कर सके और दूसरी तरफ घुड़सवार लड़ाई के लिए भी तैयार कर दिए गए अगरचे उनके जनरल हरमज़द की मौत ने उनमें सख्त नाउमीदी पैदा कर दी और वो हौसला हारते नज़र आए लेकिन उन्होंने इस्लामी फौज के पहले हमले को पसपा करते हुए पीछे धकेल दिया प्यादा फ़ौज जो जंजीरों में बंधी हुई थी उनमें एक सा खास एक मुश्किल ये हुई कि नकलोह हरकत में उन्हें खासी दुशारी पेश आ रही थी उनकी जगह घोड़सवार सासानी दस्तों ने ले ली लेकिन जंजीरों में जकड़ी प्यादा फौज ज़्यादातर इस्लामी फ़ौज के हाथों फिर मारी गई कारियन की कमांड में एक सासानी फौज महाज की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि उनको इतला हो चुकी थी कि इनकी फौज का ताराज हो चुकी है कारियन ने अप्रैल के के में दजला उस पार अपना पड़ाव डाला दरिया के करीब हर की बकई मांद बची खुची फौजें भी उसमें फिर शामिल हो गई खालि बिन वलीद इन्हीं फौज के साथ दरिया को अबूर करने के लिए शुमाल की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन उन्हें रुकना पड़ा उस उनकी जो फ़ौज थी वो सत्रह हज़ार नफस पर मुश्तमिल थी और उन्हें दुश्मन फ़ौज की चालीस हज़ार अफवाज जो थी दुश्मनों का उनको मुकाबला करना पड़ना था एक बार फिर फौजें मरक़ में प्यादा और पहलुओं पर घोड़सवारी के साथ सफ़ा आरई की गई और एक बार फिर जंग का आगाज डोल से हुआ इस ड्यूल में जिसके दौरान किरण और दो जनरल्स मारे गए इस ड्यूल्स में और ये बहुत ज्यादा इनके लिए एक लघुसत की बात भी थी कि उनके तीन जनरल्स मारे गए इस ड्यूल्स में खालिद बिन वलीद ने सामने वाले हमले की क्यादत की और सासानियों की इस फौज का जिनका कोई कमांडर ना था का बेदरी कत्ताल करना शुरू कर दिया इसमें कुछ हमारे बहुत से मुसलमान फौजी भी शहीद हुए उस वक्त तक बीस हज़ार दुश्मन की फ़ौज ताराज की जा चुकी थी मारी जा चुकी सासानी दरबार को जब इस नुकसान का इल्म हुआ तो उसने दोबारा फ़ौजों को मुतहद करना शुरू कर दिया और एक मशहूर कमांडर अंदरिस खान ग की क्यादत में पहली फौज मुसलमानों को रोकने के लिए उससे बड़े शहर की तरफ भेजी गई हरत खालिद बिन वलीद फर्रात के किनारे मगरब की तरफ चले गए और उसकी ही तो की जा रही थी दर हकीकत खालिद बिन वलीद की फ़ौज पेश गोई के मुताबिक आगे बढ़ रही थी इस इलाके में असल में जासूसी का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ था इस इलाके में तासर ये था कि सासानी फ़ौज दोबारा यहाँ पहुँचेगी अंदरज ख़ान ने अपनी फ़ौज को तकवीत बख्शने के लिए पहला हमला करने का फ़ैसला किया तो उन्होंने इसका इंतज़ार नहीं किया कि मुसलमान फ़ौज हमला करे तो उन्होंने कहा पहला हमला वो करेंगे दोनों फ़ौजें मई के अवाइल में दो पहाड़ों के दरमियान एक मैदान में खड़ी हो गई पड़ाव डाल दिया हजरत खालद बिन वलीद के पास चालीस हज़ार सासानी फौजों के मुकाबले में सिर्फ दस हज़ार प्यादा और पाँच हज़ार घोड़सवार थे इब्तदा में अंदरस ख़ान बारमन का इंतजार कर का, का, का इंतज़ार करने का इरादा कर रहा था इसलिए उसने पहले दिन मुसलमानों पर हमला ना किया इसी स्ल में हजरत खालद बिन वलीद ने एक चाल चली कि उन्होंने दुश्मन फौज को रात के अंधेरे में बहर निकालने की अमली तैयार की उन्होंने अपने सवारों का एक दस्ता उनकी जान पर रवाना किया का हुक्म दे दिया मुसलमान फौज पर इस कदर दबाव बढ़ा कि वो पीछे हटने लगे खालिद बिन वरीद मरकज ने पीछे की जानब पसपाई अख्तियार की और उसकी फ़ौज ने एक हलाल क्रिस्टल्स इस तरह का बना दिया और अंदरस खान ने यह नतीजा अख्ज किया कि ये एक बहुत अच्छा लम्हा है कि वो अपने तमाम घोड़सवारों को दुश्मन को पहलुओं के ख़िलाफ़ हरकत में लाए और मुसलमानों को घेरे में ले इसी लमहे का इंतजार हजरत खालिद बिन वलीद कर रहे थे ये मुखालफ पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे और एक लम्हे पर दुश्मन पर जलगार की गई अब अंदरत खां की फौजें अब उनके मुसलमान फौजों के घेरे में थी इस जंग में सासानियों के बीस हजार से ज्यादा जंगजों को मौत के घाट उतार दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद मगरब की तरफ बढ़ते रहे 633 के मई और नवंबर के दरमियान इस्लामी फौज के खिलाफ छह मजीद सासानी फौजें भेजी गईं। और उनमें हर एक को शिकस्त हुई ताहम सासानी सल्तनत के मरकजी हिस्से में नकलोह हरकत अब भी नामुमकिन थी और हजरत बकरीक ने एक ख़त के ज़रिए खालद बन वलीद को उस के अंदर जाने का हुक्म दे दिया हजत खालद वलीद ने दुश्मन इतहादी फौजें बर्जेंटीनी और सासानियों से फराज़ में एक और जंग जीत ली 633 ईस्वी में रोमियों से एक और जंग हुई जिसके नतीजे में जदीद दौर का इराक जो अब इराक है वो मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया 633 से 635 सौ तक ईस्वी तक यानी इन दो सालों में क्या हुआ इसका सुराग तो तारीख में हमें ख़ास नहीं मिलता लेकिन एक जंग जो इस अरसे में जिसे पुलों की जंग ब्रिजिस की जंग वार ऑफ ब्रिजिस कहा जाता है पुल्लु की जंग कहा जाता है सासानियों ने जीत ली लेकिन हजरत अबू बकर की वफाद के बाद जब हजरत फारूक खलीफा बने तो उन्होंने मई छह सौ छत्तीस में एक नई फौज भर्ती की और हजरत सात बिन अबी वकास की क्यादत में तीस हजार फौज फौजी जुलाई में इराक़ में दाखिल हुए लेकिन रुस्तम की क्यादत में सासानी फौज इराक़ में जदीद दौर के खूफा के करीब अलकदसिया के नाम नामी एक इलाके में पहले से मौजूद थी इसलिए इसका नाम कादसिया कहते हैं कि इस इलाके का नाम कुदसिया था उनके पास सत्तर हज़ार फौजी थे दोनों फ्रीकों ने एक किला नुमा कैंप बनाया लेकिन मुजात भी जारी रहे लेकिन मज़ीद छः हफ्तों तक जंग शुरू ना हो सकी लेकिन यरमोग के मकाम पर बाजेंतिनों पर फतः हासिल हुई तो उन्होंने खलीफा को शाही मुहिम के लिए कि छः हज़ार से ज़्यादा जाद सबक ज़्यादा सबक फ़ौजियों को अलकस्य की तरफ मोड़ने की इजाज़त दे दी जिस पर वो गबन कहते हैं कि अक्टूबर के, के आखिर में वो वहाँ पहुँचे और जंग के वक्त तक सासानियों के पास तकरीबन पचास हज़ार प्यादा थे और इसके अलावा पचास पंद्रह हज़ार घोड़सवार थे और चालीस हाथी लेकर आए थे और ये वो जंग थी जहाँ हाथियों का एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया गया और हाथियों को मैदान में उतारा गया इसके मुकाबले में हजरत साद बिन नबी वक्स की फौज के पास तीस हजार के करीब प्यादे और आठ हजार घोड़सवार थे रुस्तम ने अपनी प्यादा घोड़सवार दस्ते और हाथियों को चार ग्रोहों में हिस्सों में तकसीम किया सामने उसने उसकी फ्रंट लाइन पे जो थे वो हाथी खड़ी किए और दूसरी सफ़ पे प्यादे और तीसरी पे घोड़सवार खड़े किए गए और दूसरी तरफ जो मुस्लिम अफवाज थी उनकी पहली सर्फ में कि चार इन्फेंट्री डिवीजन जो थी वो इन्फेंट्री बुनियाद पर मतलब मलबैदा फौज थी और दूसरी लाइन में चार घोड़ डिवीजन बनाई गई अलुद्सिया की जंग 16 और 19 नवंबर 636 के दरमियान हुई पहले दिन का आगाज़ रवायती इनफरादी लड़ाई से हुआ इब्तदा में वाज ना हो सका कि किसका पलड़ा भारी है लेकिन बाद में रुस्तम ने मुसलमानों के दाएं हिस्से पर हमला करने के लिए अपनी फौजी दस्ते बाएं तरफ आगे भेज दिए मुसलमानों ने अपने घोड़सवार दस्तों को इस्तेमाल करते हुए हाथियों को मारना शुरू किया कोशिश की लेकिन सासानियों की बड़ी तादाद में घोड़सवार दस्तों ने उन पर जवाबी हमला किया साथ की दाएं तरफ की घोड़सवार फ़ौज और प्यादा फ़ौज दोनों को पीछे फिर हटना पड़ा दाएं मरकज में मुस्लिम घोड़सवार दस्ते को सासानी घोड़सवारों के पीछे छोड़ने के लिए भेजा गया जबकि दाएं मरकज के प्यादा यूनिटों में से एक को दुश्मन की प्यादा फौज और बाएं तरफ हाथियों पर हमला करने का हुक्म दिया गया इससे मुसलमान फौज के दाएं जानब दुश्मन को पीछे धकेलने का मौका मिला इब्तदा में हाथियों ने मुस्लिम फौज को उसकी सफ़ों को तोड़ दिया था लेकिन मुस्लिम मरकज़ की हमायत ने हाथियों को फिर पसपा कर दिया और जल्द ही मुस्लिम प्यादात जवाबी हमला करने से सासानियों के एक दस्ते को शर्मनाक अंदाज में भगाने पर मजबूर कर दिया और क्योंकि हजरत साध की फ़ौज में घोड़े हाथियों को देखकर क्योंकि उनके लिए नई बात थी अरब के वो घोड़े थे उनको नहीं आलम था कि हाथी क्या कि किस बला का ना कौन सी ये बला जो सामने खड़ी हुई इतने बड़े हजम में तो फिर हजरत साद ने कहा कि इन घोड़ों के चेहरों को कपड़ों से ढांप लिया जाए फिर एक भरपूर अंदाज में हमला किया इस हमले में रुस्तम को खुद मैदान में उतरना पड़ा और पहला दिन नतीजा तौर पर ख़त्म हुआ और दूसरे दिन मुस्लिम फौज को कुमक भी पहुंच गई दुश्मनों के हाथी भी इस मार्के में थक गए थे इसका फायदा उठाते हुए हजरत साद ने भरपूर हमला करने का कि... फैसला किया और भरपूर हमला भी किया और तीसरे जो दिन था और लेकिन उस दिन वो खास पेशरफ ना हुई तीसरे दिन के आगाज़ में रुस्तम ने अपनी फ़ौज को मुसलमान फ़ौज पर हमला करने का हुक्म दिया क्योंकि वो मजीद मुस्लिम कुमक के पहुँचने से पहले जंग ख़त्म करने के लिए बेचैन था क्योंकि रुस्तम को ये ख्याल था कि मजीद अरब से कुछ अफवाज पहुंच रही हैं वो जो समझता था कि इनकी कुमक पहुंचने से पहले इस मैदान जंग का फैसला कर लिया जाए सबसे पहले तीर फेंके गए जिसमें ससानी फौज को सुबत हासिल रही फिर हाथियों को आगे बढ़ाया गया और जिन्होंने हमला कर दिया और साथ की फ़ौज इस दबाव के पीछे आ, फिर हट गई रुस्तम ने मुस्लिम फौज के कमांडर हजरत सात को मारकर उनको शहीद करके जंग खत्म करने की कोशिश की उनका यह ख्याल था कि अगर इनके कमांडर मुस्लिम फ़ौज के कमांडर को शहीद कर दिया जाए तो फिर जंग का ख़त्मा हो सकता है लेकिन मुसलमान फ़ौज के घुड़सवार दस्तों ने उन्हें रोक दिया रुस्तम ने घाथियों को आगे रखा लेकिन कत्ता उल आसम ने मिल ने फिर सफेद और उनके कुछ और भी साथियों ने फिर सफेद जो बहुत बड़ा हाथी था जो हाथियों का सरदार जैसे कहा जाता है पर हमला किया और उसको मार डाला और फ़िर सफेद के मारे जाने के बाद एक दूसरे हाथी पर भी हमला हुआ और वो मैदान जंग से जान बचा कर भागा उसको भागते देख देख कर दूसरे हाथियों ने भी उसकी फिर तकलीफ की इस तरह आज हाथियों इस तरह हाथियों का वजूद बजाय इस तक लश्कर इस्लामी लश्कर को नुकसान पहुंचाता, ख़ुद ईरानियों के लिए वो नुकसान दबित हुआ और वो अपने ही लश्कर को रोनते हुए वो पीछे की तरफ़ भागे बड़ी जोरों की लड़ाई थी सुबह से शाम तक ही जारी रही गुरुबी आफ्ताब के बाद थोड़ी देर के लिए दोनों फौजें एक दूसरे से जुदा हुई फिर फौरन मुस्तद होकर एक दूसरे के मुकाबले सफार हुई और मगरब के वक्त से शुरू होकर यह सुबह तक की लड़ाई जारी रही तमाम रात लड़ाई का शोर गल हंगामा बरपा रहा ना पूरी कैफियत को मालूम हो सकी ना रुस्तुम को गज भी एक अजीब किस्म की रात थी आधी रात के बाद उन्होंने मैदान जंग के शोर गुल में I don't know. सुनी कि वो अपने लोगों को कह रहे थे कि सब सिमटकर क्लब पर हमला करो और रुस्तम को गिरफ्तार कर लो इस आवाज ने ना सिर्फ हजरत अदरत को तस्किन दी बल्कि तमाम मुसलमानों में असर अजसर ताकत पैदा कर दी तमाम दिन और तमाम रात लड़ते हुए गाजिया ने इस्लाम थक हार कर चूर चूर हो चुके थे इस्लामी हमलावरों के करीब पहुंचने पर रुस्तम खुद तख्त से उतर कर लड़ने लगा और वो हाथी से बैठा हुआ था वहां से उतर के वो खुद लड़ने लगा और जख्मी हुआ पीठ फिर कर भागा तो बिलाल बिन अलकमा ने आगे बढ़कर भागते हुए पर, इस पर रुस्तम पर बच्चे का वार किया और जिसकी उसकी कमर की हड्डी टूट गई रीढ़ की हड्डी टूट गई और नहर में वो गिर पड़ा बिलाल ने फौरन घोड़े से कूद कर झुक कर की टांगों को पकड़ कर खींच लिया और उसका काम तमाम करके फ़ौर रुस्तम के तख्त पर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा खुदा की कसम मैंने रुस्तम को कत्ल कर दिया इस आवाज़ के सुनते ही इस्लामी फ़ौज ने नारायज तकबीर बुलंद किया ईरानियों के होश हवास होश हवास खो बैठे वो हवास बाखता हो गए दुश्मन मैदान छोड़ के भागे ल, लश्कर ईरान में सवारों की तादाद तीस हज़ार थी जिनमें मुश्किल तीस सवारों को जान बचाकर भागना नसीब हो सका सदर सात बिन नबी वकास ने मैदान जंग का हंगामा फर्फ होने के बाद माले गनीमत फराहम किया और फौन हजरत फारूक उम्र फारूक की खदमत में फतेह की लश्कर का फतेह की खुशखबरी का खत भेजा और एक तेज़ रफ्तार शुत्र सवार को देकर वो खत और कुछ माल गनीमत था मैदान मदीने की तरफ रवाना किया यहाँ हजरत फारूक जो खलीफा दोम थे उनका हाल ये था कि वह रोज़ सुबह उठते थे मैदी में वापस आ जाते जा 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 थे सुबह उठ कर मैदान में जाते थे देखते थे कि कोकासक तो नहीं आ रहा था वहाँ कि वो ख़बर लेकर तो फिर वापस आ जाते थे, थे एक रोज़ पे दस्तूर बहर तशरीफ़ ले गए दूर से देखा तो एक धूल उड़ाता हुआ नजूर से एक नजर वो आया कि एक शुतर सवार नज़र आया उसकी तरफ लपके करीब पहुँचा तो दरियाफ्त किया कहाँ से आते उसने कहा मैं कादसिया से आ रहा हूँ खुशखबरी लाया हूँ कि खुदा तला ने मुसलमानों को अजीम फ़तः अता की है फारूक आजम ने इससे लड़ाई की कैफियत और फतः की तफसर हालात दरियाफ्त करने शुरू किए शह सवार की रकाब पकड़ते हुए उसके साथ साथ दौड़ते हुए मदीने में दाखिल हुए शु्र सवार हालात सुनता जा रहा था अपने ऊँट पर सवार मदीने में दरबार खिलाफत की जानब चला जाता जा रहा था और शहर में दाखिल होते ही शु्र सवार ने देखा हर शख्स जो सामने आता है वो फारूक अजम को अमीर ममिन कहकर असलम कह करता है तब उसको मालूम हुआ जो शख्स मेरे साथ पैदल भाग रहा है वो कोई और नहीं वो शख़्स खलीफाए वक्त है यह मालूम करके वो डरा और ऊँट से उतरना चाहिए लेकिन फ़ारूक आज़म ने कहा तुम हालात सुनाते जाओ पर दस्तूर अपने ऊँट पर चले रह, बैठे रहो इस तरह घर आया तक ले आए मस्जिनबी पहुँच कर उन लोगों को जमा किया और फतह की खुशखबरी सुनाई और नाहेत पुरसर फिर उस जमाने में एक खताब किया जिसका ख़ात्मा इस तरह था कि भाइयों मैं बादशाह नहीं हूँ कि तुमको अपना ग़ुलाम बनाना चाहूँ मैं तो खुद अल्लाह ताला का ग़ुलाम हूँ अलबत खिलाफत का काम मेरे सपर्द है अगर ये मकाम इस तरह अंजाम दूँ कि तुम आराम से अपने घरों में इतमान से ज़िंदगी बसर करो तो ये मेरी खुशनसीबी है अगर खुश खुदा न खास्तः मेरी यह ख्वाहिश हो कि तुम लोग मेरी दरवाज़े पर हाज़िरी दो तो ये मेरी बदबखती होगी मैं तुमको तालीम देता हूँ नसीहत करता हूँ लेकिन सिर्फ कौल से नहीं हमल से और जू जंगदस्य का अख्ताम मुसलमानों की फतह से हुआ तो इन हम अपनी गुफ्तगु इसी तरह किसी न किसी मार के किसी न किसी तारीखी वाक्यों को बयान करके आपको आपके सामने में करता रहूँगा अब तक के लिए इजाज़त असल